Okay, so hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about antihypertensive drug. Okay, is a lipid lowering drugs. Okay, जो भी lipid lowering drugs हैं वो हम as a antihypertensive drug करके भी use कर सकते हैं. Clear? So it is important for the exam point of view. Okay, so today's lecture we are going to discuss about introduction or definition of lipid lowering compounds, then examples of lipid lowering drugs, then clofibrate, so structure of clofibrate, then IUPAC name, properties, storage condition, uses of clofibrate. Clear? Clofibrate जो है example है lipid lowering compounds का. Okay? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए. Okay? So lipid lowering drugs क्या है? Okay? So atherosclerosis is a one of the major cardiovascular disease, atherosclerosis, or atherosclerosis cause the hardening of arteries. Important hai. Then elevated concentration of lipids such as cholesterol, triglyceride and fatty acid is believed to cause atherosclerosis. Means ye jo cholesterol hai ya triglyceride hai, fatty acid hai, ye causing agent hai. Okay, kiska? Atherosclerosis ka. Then next line, it is okay, next line is it is assumed by the that the reduction of abnormally high lipid levels will inhibits the atherosclerosis. Example of the class are clofibrate, then lovastatin, and last one is atorvastatin and clostramine. These are the lipid lowering agents. Simply आपको पता है क्या है ये. मीन्स जो भी एजेंट्स है या जो ड्रग्स है, जो भी लिपिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द लिपिड लोअरिंग एजेंट एंड दैट्स कॉजिंग द एथेरोस्क्लेरोसिस. क्लियर? सो सिंपल एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल आपको पता होना चाहिए. इस पे शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आता है आपको डिग्री प्लस डिप्लोमा के लिए, गिव द शॉर्ट नोट ऑन लिपिड लोअरिंग एजेंट्स. ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ लिपिड लोअरिंग एजेंट. बेस्ट एग्जाम्पल इज अ clofibrate. So clofibrate जो है वो हम किस लिए लेते हैं? For the decrease the concentration of lipids. Okay, so structure of clofibrate important है. Exam में आपको separately question आता है, give the structure and chemical name of clofibrate 3 marks के लिए. Okay, so what is the structure? अब यहाँ पे structure देखिए. Okay, यहाँ पे structure में बहुत सारे substituent भी attach है. ओके, प्रोप्योनिएट यहाँ पे फाइनल बेसिक रिंग है, प्लस फेनोक्सी भी रिंग है. लेकिन सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? स्ट्रक्चर में क्या क्या है? वन इथाइल रिंग है, इथाइल ग्रुप है, वन फेनाइल ग्रुप है. जस्ट अ मिनट. ओके ओके, ये वाला जो ग्रुप है ये क्लोरोफेनॉक्सी ग्रुप है, मीन्स क्लोरिन प्लस फेनाइल, ये वाला क्लोरोफेनॉक्सी ग्रुप है. नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर में? इथाइल ग्रुप है. इथाइल ग्रुप वाई? बिकॉज मिथेन एंड इथेन, ओनली 2 कार्बन से यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट्स वाई मिथेन एंड इथेन, इथाइल ग्रुप. अटैचमेंट है, सो वाई एल. क्लियर? देन 2-methyl, ये वाला जो ग्रुप है, सेकेंड कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप अटैच है. एंड देन प्रोप्यूनेट, मीन्स इस स्ट्रक्चर का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा. ओके, सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखो. ओके, सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर में हेट्रो एटम कौन सा है, क्या नहीं है? हेट्रो एटम नहीं है, बेसिक रिंग नहीं है, मीन्स कार्बन एटम से ही नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा. सो विच कार्बन एटम? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इस टाइप से भी आप नंबरिंग चेन सेलेक्ट कर सकते हो ना, या इस टाइप से करो, ये वाला नंबरिंग है. ओके, किसी भी मीन्स किसी भी यहाँ पे रूट से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे तभी भी कार्बन 3 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट? सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ओके, सो सेकेंड नंबर के ग्रुप को, सेकेंड नंबर के कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल ग्रुप. ओके, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आप सिंपली देखो यहाँ पे मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन, ये हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हमें काउंट करना है. अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से अटैच है? सेकेंड वाले, ये जो वाला सेकेंड वाला कार्बन है इसको कौन सा ग्रुप अटैच है? ये वाला ग्रुप. क्लियर? ग्रुप कौन सा है? इथाइल 2. इथाइल 2 मीन्स ये वाला 2-ethyl. देन 4-chlorophenoxy 5, यहाँ पे देखो
फर्स्ट पोजीशन तो ये हो गया, ये वाला कार्बन जो है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये वाला कार्बन। ओके सो वन देन टू देन थ्री एंड फोर, फोर्थ नंबर को पोजीशन को कौन सा ग्रुप अटैच है, क्लोरो ग्रुप अटैच है, दैट्स वाई क्लोरोफेनॉक्सी, ये वाला फेनाइल ग्रुप। लेकिन क्लोरोफेनाइल भी हो सकता है ऑक्सी, वाई बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज हियर। ओके सो दैट्स वाई फोर क्लोरोफेनॉक्सी। ओके देन टू इथाइल, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, टू इथाइल, टू इथाइल मीन्स सेकेंड नंबर के कार्बन को और एक ग्रुप अटैच है, कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ओके सो ये वाला इथाइल ग्रुप, क्लियर। सो नेक्स्ट टू मिथाइल, ये वाला जो अटैच है टू मिथाइल, देन प्रोप्योनेट, प्रोप्योनेट वाई बिकॉज मिथेन इथेन एंड प्रोपेन, थ्री प्रोपेन ग्रुप अटैच है विथ सी टू एच फाइव। ओके ओएट, ओएट कब यूज करते हम, जब इस्टर ग्रुप अटैच होता है, इस्टर सी ओ ओ आर सी ओ ओ आर, अगर आप ये वाला कार्बन देखोगे तो यहाँ पे इस्टर रिंग अटैच हुआ है। ओके ये देखो आर, ये वाला सी ओ ओ एंड देन आर, मीन्स ये इस्टर है, इस्टर अगर होगा तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, ओएट, राइट। सो दैट्स वाई आई यू पी एस सी नेम इज इथाइल टू फोर क्लोरोफेनॉक्सी टू मिथाइल प्रोप्योनेट, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम ऑफ क्लोफाइब्रेट, इंपॉर्टेंट है। ओके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये स्ट्रक्चर प्लस केमिकल नेम कैसे हुआ है पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में हमें क्या लिखना है, उसका जो भी नेचर है, अपियरेंस है, कलर ऑर्डर टेक्सचर है ना। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लोफाइब्रेट इज क्लियर कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड विच इज प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन अ वॉटर, देन इट इज फेंट, इट हैज अ फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक एक स्पेसिफिक टाइप का ऑर्डर है, देन इट इज हैविंग एक्रिड टेस्ट, देन फर्स्ट देन बिकम स्वीट, फर्स्ट टेस्ट अलग है देन स्वीट टेस्ट। ओके देन स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जो कि कॉमन है, लाइट रेजिस्ट करने वाले कंटेनर चूज करना है आपको, या फिर टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, क्लियर। देन नेक्स्ट यूजेस ऑफ क्लोफाइब्रेट, अब यूज तो आपको पता है, एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सॉरी लिपिड लोअरिंग ड्रग करके हम यूज कर सकते हैं, राइट। सो इट इज यूज इन अ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस ऑफ अ कोरोनरी हार्ट डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये ड्रग है क्लोफाइब्रेट, सो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कोरोनरी हार्ट डिसीज पे। देन एज इट रिड्यूसेस रेज्ड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल एंड इट्स इंक्रीज द एच डी एल लेवल, दैट इज अ गुड कोलेस्टेरॉल। अब ये तो पता है आपको, गुड कोलेस्टेरॉल होता है, बैड कोलेस्टेरॉल होता है, राइट। सो इसी के ट्रीटमेंट के लिए ही हम यूज करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड यूज इज इट हैज, इट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर दिस पर्पज ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, अगर कोई लॉन्ग टर्म या एक्यूट ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें भी ये ड्रग यूज कर सकते हैं, क्लोफाइब्रेट, व्हाई, बिकॉज इट इज एन अ लिपिड लोअरिंग कंपाउंड, क्लियर। सो इट इज अ वेरी यूजफुल, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, सॉरी यूजेस, ओके स्टोरेज कंडीशन, प्रॉपर्टीज, आईयूपीएसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोफाइब्रेट, देन दिस इज द क्लासेस और एग्जाम्पल्स ऑफ लिपिड लोअरिंग ड्रग एंड डेफिनेशन ऑफ लिपिड लोअरिंग कंपाउंड, क्लियर। सो सिंपल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है डिग्री प्लस डिप्लोमा के केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।